कैसा समाज देखना चाहते हैं? साफ सुथरा समाज देखना चाहते हैं, स्वच्छ। ठीक है, और तो सामने दिख रहा है, चारों तरफ पूरा लाइट दिख रहा होगा। चुनाव के समय अधिकांश जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हुए, जो भी नया है पुरान है, हर कोई अपना समाज सेवा का चोला ओढ़ के चले आते हैं कि भाई हम चुनाव लड़ रहे हैं, फिर जीत के बस वहीं समाज सेवा, फिर 5 साल बाद अपना समाज सेवा। तो इस वक्त हमारे साथ जनता जनार्दन मौजूद हैं, जो वार्ड संख्या 6 मेहसी, क्षेत्र संख्या 56 से इस वक्त मौजूद है हमारे साथ जनता। अब हम इनसे जानते हैं सही गलत का सिलेक्शन बिहार पंचायत इलेक्शन में, कि इस बार का चुनावी माहौल क्या है, चुनावी सरगर्मी क्या है, यहाँ क्या माहौल है? पहले नाम बताइए। संजय कुमार। घर कहाँ हुआ आपका? 8 नंबर वार्ड दामोदरपुर। इस बार माहौल क्या है, चुनावी माहौल? माहौल आप लोग पीछे मत रहिए, आगे आ जाइए। आइए आप लोग आगे, पीछे आइए। आप लोग युवा हैं, ऐसे पीछे मत रहिए। युवा कभी पीछे नहीं रहता है, वो आगे आता है। बिल्कुल, और कहते हैं कि बिल्कुल, और कहते हैं कि जनता की आवाज देश की आवाज होती है। आइए, विकास का माहौल है। विकास का माहौल, कितना विकास हुआ है इस क्षेत्र में? अभी तो विकास जो है सो आपको सामने दिख ही रहा है, चारों तरफ सोलर लाइट दिख रहा होगा लगा है। जमीनी स्तर पर कितना विकास हुआ है? यहाँ पे 7 निश्चय योजना का जो है पूर्ण रूप में लाभ मिला है क्या? नहीं मिला है। नहीं। रोड यहाँ का कैसा है, बिजली कैसा है, नल जल कैसा है, इंदिरा आवास सभी को मिला है या नहीं? कैसा इंदिरा आवास तो मिला ही नहीं है, जो भी मिला हुआ है उसमें किसी का घर अभी पूर्ण रूप से बना नहीं है, क्योंकि इसमें का 40% कमीशन में चला जाता है, बाकी में क्या किसके पास चला जाता है वो कमीशन? अब जो ले, नीचे से ऊपर तक तो सब बैठाए हुए हैं। आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, अरे इधर आइए 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 इधर 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 आइए ऐसे ही इधर इधर आइए। ये देखिए गौर करने वाली बात ये है, इधर आइए आइए आगे आइए आगे आइए, कोई दिक्कत नहीं, आइए आइए। देखिए आज है रक्षाबंधन और इनके कलाइयों पे राखी भी बंधी हुई है, खैर मेरे कलाई में भी राखी बंधी हुई है। तो क्या आपको लगता है कि जो आपको बहन ने जो राखी बांधी है और उसको लेके कि आप उन बहन बेटियों की सुरक्षा किस तरह से करते हैं, और दूसरी बात ये कि क्या जो इस क्षेत्र से जो वार्ड सदस्य जो हो गए, मुखिया हो गए या फिर जिला परिषद के जो लोग हैं, वो सुरक्षा को लेके कितना, जो आपका क्षेत्र है वो कितना सही है, कितना ठीक है सुरक्षा को लेके? बोलिए, काम हुआ है सुरक्षा को लेके? नहीं भाई, नहीं। ये भाई साहब कह रहे थे कि सोलर लाइट लगा हुआ है, हम तो क्षेत्र में भ्रमण करते रहते हैं। आप भी आ जाइए, 6 को लगा है जितने लगा है, बाकी सामने में सोलर लाइट नहीं है, वो स्ट्रीट लाइट है। स्ट्रीट लाइट है, सोलर लाइट नहीं है। हाँ बोलिए, और क्या बोल रहे थे आप? बोलिए बोलिए, बेफिक्र होके बोलिए बोलिए। सुरक्षा को लेकर काम हुआ है क्षेत्र में आपके? नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? खाली नल जल लगा है। क्यों, वार्ड जो जिला परिषद है वो अभी आते नहीं है क्या? 5 साल में एक बार दिख जाएंगे ना, आपको नाम तो पता होगा उनका, कम से कम नाम तो पता। नहीं करते, गांव में आते नहीं है। जिला परिषद का नाम नहीं पता आपको? नहीं पता। क्या बोल रहे हैं? किसी को मालूम नहीं है, हम लोग मालूम नहीं है कैसा है, कैसा रूप है, कैसा गाड़ी है, कब जीता कहा हुआ, हमको मालूम नहीं। आपको नाम पता है उनका? हाँ नाम तो पता है। हाँ क्या नाम है उनका? अफजल। क्षेत्र में 5 साल में कभी आए? 5 साल में तो नहीं, चुनाव के समय तो अधिकांश दिखाई देते हैं, और अभी तो हम लोग के इस पंचायत में उतना, पंचायत के बाद नहीं दिखाई देते हैं, पंचायत के बाद जो। अच्छा, चंपारण वासियों का जो मुद्दा है पंचायत में वो क्या है इस बार का, पंचायत लेवल की बात करें तो? पंचायत लेवल की बात करें तो विकास 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 में क्या? विकास में वही जो हम लोग का जो है, सड़क, बिजली, लाइट, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, और हमारा क्या बोलते हैं, स्वच्छता, यही सब चीज़ है जो बेसिक चीज़ है, जो हमारे ज़रूरत का चीज़ है वही सब। ओवर टू यादव जी। अच्छा, ये अता पता और लापता होने का वजह क्या हो सकता है? मतलब नेता लोग तो वोटिंग के दिन तो आए होंगे ना कि प्रणाम, हमें वोट दीजिएगा, हम आपके क्षेत्र में विकास करेंगे, तो ये अता पता लापता होने का वजह क्या हो सकता है? वजह है, हम सबका कमेंट लेंगे यहाँ। वजह है चुनाव। चुनाव के समय अधिकांश जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हुए, जो भी नया है पुरान है, हर कोई अपना समाज सेवा का चोला ओढ़ के चले आते हैं कि भाई हम चुनाव लड़ रहे हैं, फिर जीत के बस वहीं समाज सेवा, फिर 5 साल बाद अपना समाज सेवा। इस बार कैसा नेता आप देखना चाहते हैं यहाँ? बहुत अच्छा नेता सुनने चाह रहे थे हम लोग। वोट किसको करेंगे? वोट तो हमारा जी, इस बार किसको आप वोट करेंगे, किनको देंगे?
हमारे अच्छा नेता खड़ा हमारा अथी से आठ से यहाँ खड़ा हो रहा है जो अच्छे हैं उनको जरूर देंगे। आप तो इस बार आप एक युवा हैं और युवा होने के नाते आप कैसा समाज देखना चाहते हैं? समाज अच्छा देखना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष कुमार है। अच्छा, अभी आप क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं, क्या चीज़ का पढ़ाई करते हैं? 11th में पढ़ाई। 11th में है। कैसा समाज देखना चाहते हैं आप? साफ सुथरा समाज देखना चाहते हैं हम, मतलब स्वच्छ। ठीक है, और बताइए। और क्या, यही विकास होना चाहिए। दूसरा क्या, युवाओं को लेके क्या होना चाहिए? युवाओं को लेके, युवाओं को लेके तो पंचायत स्तरीय क्या होना चाहिए? युवाओं को लेके बस यही पढ़ाई लिखाई शिक्षा। नहीं नहीं, रोजगार का एक बड़ा मुद्दा रहता है युवाओं का, खास करके। और इस बार आप देखेंगे तो विधानसभा से लेकर पंचायत स्तर तक हमेशा मुद्दा रहता है, रोजगारी का जो मुद्दा है हमेशा रहता है। रोजगारी तो होना चाहिए क्योंकि अभी के, लेकिन सबको नौकरी नहीं मिलेगा ना भाई, सबको अपना अपना रोजगार तो मिलना चाहिए, लेकिन अभी मान लीजिए सब चीज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया महाखबर से बातचीत करने के लिए और अपना अपना कमेंट देने के लिए, राय देने के लिए। आई होप कि इस क्षेत्र में ये लोग अच्छे नेता वो देखना चाहते हैं जो विकास करे, विकास की भावना से जिए, वो विकास के लिए इस क्षेत्र में आए। और समझ सकते हैं जो विकास करेगा तो इस क्षेत्र का ऐसे भी कल्याण होगा। ये लोग कह रहे हैं कि हम जो जिला परिषद है इस क्षेत्र का, उसका नाम भी नहीं जानते। तो आप समझ सकते हैं कि जब उस व्यक्ति का नाम नहीं पता है जो इस क्षेत्र का जिला परिषद वर्तमान में है, तो वो आप समझ सकते हैं कि कब आता है कब जाता है कोई पता नहीं, अता पता लापता। तो आप समझ सकते हैं जो व्यक्ति को ये लोग देखे भी नहीं तो उस क्षेत्र का विकास कैसे होगा। वो कभी आए ही नहीं और ये लोग देखे ही नहीं, तो समझ सकते हैं इस क्षेत्र का विकास कितना हुआ। आई होप कि इस क्षेत्र में जो भी जीत कर इस बार आएंगे तो बहुत अच्छे विकास करेंगे, तो उनको आप लोग सपोर्ट कीजिए। जी देखिए, आप यहाँ पे जो लोग हैं तकरीबन 4 या 5 में लोग में मौजूद हैं, लेकिन हम सही गलत का सिलेक्शन, बिहार इलेक्शन जो पंचायत का जो इलेक्शन है वो लगातार हमारी मुहिम जारी है। और हम बस इन 4-5 लोगों से बात नहीं करेंगे, हम हर एक क्षेत्र में जाएंगे, वार्ड में जाएंगे, पंचायत स्तर तक जाएंगे, वहाँ से आपके मुद्दे लगातार उठाते रहेंगे और आपकी आवाज जो है वो उठाते रहेंगे। देखते रहिए महाखबर, निष्पक्ष निर्भीक। सही गलत का सिलेक्शन बिहार पंचायत इलेक्शन में। फिलहाल इतना ही। कैमरामैन सुमित के साथ मैं आदर्श सिंह राजपूत, मेसी हमारे सहयोगी अनीस के साथ। फिलहाल इजाजत दीजिए हमें, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए महाखबर, निष्पक्ष निर्भीक।